अनुपम खेर ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना, कह दी ये बड़ी बात। पुलवामा अटैक के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। बॉलीवुड से भी इस मुद्दे पर अलग अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के बयान ने कई लोगों को नाराज किया है। बॉलीवुड के कई कलाकार उनसे नाराज हैं। सिद्धू के बयान के बाद उन्हें कपिल शर्मा शो से भी बाहर कर निकाल दिया गया है। शो के फैंस का कहना था कि अगर सिद्धू शो में रहे तो वो कपिल के शो का बॉयकॉट कर देंगे। सिद्धू के दिए गए बयान पर हाल ही में अनुपम खेर ने ट्विटर पर एक सवाल जवाब सेशन किया, जिसमें उनसे नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में एक सवाल पूछा गया। अनुपम खेर ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आप रबीश बातें कहने लगते हैं। अनुपम खेर के ट्वीट से साफ है कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हर मामले पर अपनी राय रखने के मना किया है और कहा है कि वो थोड़ा चुप रहने की आदत डाल लें। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले पर एक विवादित बयान दिया था, जहां वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते नजर आए थे। इसी के बाद मामला हर तरफ गरमाया हुआ है, यहां तक कि सिद्धू को द कपिल शर्मा शो से भी हटा दिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मसले में कपिल शर्मा की भी एंट्री हो गई है। दरअसल कपिल ने भी सिद्धू का सपोर्ट किया है, जिसके बाद कपिल की मुश्किलें बढ़ गई है। हुआ यह है कि हाल ही में कपिल ने एक इंटरव्यू में ये सब करने से और किसी को शो से हटा देने से इसका हल नहीं निकलेगा, हमें कुछ दूसरा हल निकालना होगा। कपिल ने बताया कि सिद्धू अपने काम में बिजी हैं, इसलिए अर्चना पूरन सिंह ने हमारे साथ शूटिंग की। ये बहुत छोटी चीजें हैं और ये सब किसी प्रोपगेंडा का हिस्सा भी हो सकते हैं। कपिल ने साथ ही में ये भी कहा कि हम इस सब की कड़ी निंदा करते हैं और हमारे जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि कपिल अपने इस इंटरव्यू के बाद मुश्किलों में फंसे हुए हैं। कपिल लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। यूजर्स ने तो कपिल को ये तक कह दिया है कि इन्हें भी पाकिस्तान भेज दो। इस तरह के कई कमेंट्स कपिल के लिए किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कपिल को सोशल मीडिया पर बॉयकॉट कपिल शर्मा शो और अनसब्सक्रिप्शन के बाद बॉयकॉट कपिल शर्मा ट्रेन कर रहा है। बता दें कि बीते दिनों ही पुलवामा आतंकी हमले पर सिद्धू ने कहा था कि कुछ लोगों की करतूत के लिए पूरे देश को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ये एक बेहद कायराना हमला था, मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हिंसा को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। अब फिलहाल देखना यह है कि आखिर कपिल की मुश्किलें भी कब खत्म होंगी।